Assalamualaikum and hello everyone, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हम दो हमारे चार। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं दो तीन दिन में ज़रूर से इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगी। सो हियर आई एम और आज आप लोग आउटिंग का व्लॉग देखेंगे। हम जा रहे हैं जय स्लेडर, सो लेट्स गो। आरिस तुम कहाँ जा रहे हो? 400 मीटर्स टर्न राइट ऑन द ट्रिपल। कहाँ? D83। जय स्लेडर। अच्छा डरोगे तो नहीं? शूज पहने? आई विल गेट अ हार्ट अटैक। व्हाट हैपेंड अफान? आई थिंक आई एम गोना गेट अ हार्ट अटैक। You're gonna get heart attack on Jess later. And Falak, what about you? I'm gonna make a fun fall down. Turn right onto Tripoli. Sadly, I'm sitting with the cool one. I'm gonna make him fall down. Continue with for me. 1.5 kilometers. जय स्लेडर है ना रासल खेमा में है और हमारा घर जो है वो है दुबई में। सो दुबई से रासल खेमा का जो डिस्टेंस है ना वो 110 किलोमीटर्स है। तो ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1.5 घंटा आराम से लग जाता है हमारे घर से। और इतना लंबा ट्रैवल करना ना हम लोग की हालत ही एकदम ख़राब हो जाती है। और बच्चों को बिज़ी रखना मतलब गाड़ी में जहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं है, वो इतना बड़ा टास्क होता है। तो इन लोग की चूल चाल चालू हो गई है। सुबह में ना हम लोगों ने हैवी नाश्ता कर लिया था, कड़क पाव चाय और गुजिया बनाई थी मैंने। और उसके बाद जो है हम लोग जोहर की नमाज़ पढ़ के निकल गए। तो हस्बैंड कह रहे थे कि हम लोग रास्ते ही से ना कुछ पिक कर लेंगे, क्योंकि अगर खाना बनाने लगते तो बहुत लेट हो जाता, क्योंकि जो जैस लेडर है ना वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है शाम में। और वैसे भी ना इतनी देर से गाड़ी में कंटिन्यूस बैठे बैठे ना बच्चे भी एकदम परेशान करने लगे थे, तो हम लोग सोचा एक स्टॉप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। सो बस यहाँ मैकडोनल्ड्स हम लोग आ गए थे और ड्राइव थ्रू से ही हम लोगों ने ना ऑर्डर करके पिक कर लिया। तो मैकडोनल्ड्स ऐसा है कि मतलब घर में सारे ही लोग जो है ना वो खा लेते हैं, नहीं तो कहीं हम लोग बाहर फूड कोर्ट में जाते हैं ना तो किसी को जो है KFC खाना होता है, किसी को पिज़्ज़ा, मतलब सबको अलग ही अलग सबकी चॉइस होती है। हस्बैंड जो ये शर्ट पहने हैं ना वो मैंने इनको लास्ट ईयर एनिवर्सरी पे गिफ्ट करी थी। तो है ना ये शर्ट जो ना हर ओकेजन पे नहीं चलती ना, मतलब ऑफिस वगैरह में तो नहीं पहन के जा सकते। सो इस तरह हम लोग बाहर घूमने जाते हैं ना तभी इस शर्ट का मुहूर्त निकलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे एक कार है, निसान जुक। तो जब भी बच्चे देखते हैं ना ये कार तो बोलते हैं अम्मा देखिए आपकी कार यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि मेरी भी कार ऐसी सेम है। तो यहाँ खड़ी बच्चे वही बोल रहे थे अम्मा आपकी कार यहाँ आ गई। ये जो जबल जैस का रास्ता है ना ये पूरा जो है ना आपको माउंटेन ही माउंटेन देखने के लिए मिलेगा और इतना खूबसूरत लगता है। ये देखिए छोटे छोटे घर बने हुए हैं, बाकायदा इसमें लोग रहते हैं। जब वी मेट वाली मूवी जो है उसकी कुछ याद नहीं आ रही आपको ये रास्ता देख के? मुझे तो लगता है बस कहीं ना कहीं करीना कपूर खड़ी ही होगी गाना गाते हुए, पूछो ना पूछो मुझे क्या। सो एनीवेज यहाँ पे ना मजाक के अलावा ये रास्ता इतना चक्कर खाने वाला था ना, ये देखिए उसका लोकेशन इतनी मतलब zigzag रास्ता है कि मतलब बुरी तरह से ना उल्टी जैसी फीलिंग हो रही थी, मतलब नौजिया हो रहा था, अजीब सा लग रहा था क्योंकि रास्ता सीधे चल ही नहीं रहा था। और हाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं ना हम दो हमारे चार तो आपका चौथा बच्चा कहाँ है, तो ये देखिए जईम आज हाथ लग ही गया। लास्ट में ना पहुँचते पहुँचते हस्बैंड ने पूरा सनरूफ वगैरह ओपन कर दिया और विंडोज़ भी ना पूरा नीचे कर दिए थे, क्योंकि इन लोगों को ना कार सिकनेस है मेरी तरह, मतलब अफ़ान और फलक को। तो हस्बैंड कह रहे थे कि फ़्रेश एयर सर्कुलेशन होगा ना तो इन लोग थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। आज मैं भी ना फुलटन सैर सपाटे वाली मूड में हूँ। सो मैंने भी अपने बोरिंग सा ब्लैक वाला बुरका हटा के एकदम जो है कैजुअल सा पिंक कलर का बुरका डाल ली हूँ और एकदम मतलब मौसम के साथ है ना बहुत अच्छा लगेगा, गर्मी भी नहीं होगी।
हस्बैंड है ना यहाँ पे टिकट बुक कर रहे थे, असल में इसका टिकट जो है ना वो ऑनलाइन नहीं मिलता है, आके यहीं पे डायरेक्ट बुक करना होता है। तो ये देखिए उसका प्राइस चार्ट है, अगर सोलो राइड लेते हैं ना तो 45 दिरहम है, और एडल्ट प्लस चाइल्ड अगर एक स्लेडर पे बैठेंगे ना तो 60 दिरहम है, काफ़ी अफोर्डेबल है। बट हाँ यहाँ पे ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं हाइट को लेके, सो अगर 105 के नीचे हाइट है ना तो फिर अलाउड नहीं है स्लेडर पे बैठना। तो ये आरिस को देखिए बाल बाल बच गया, मतलब 105 से ज़रा ही से ऊपर निकल रहा था। और दूसरी बात ये है कि अगर 140 के भी नीचे है ना तो फिर जो है अकेले राइड नहीं कर सकते हैं, और हम लोगों को ना एडल्ट के साथ बैठना पड़ेगा। तो अफ़ान को जो है ना वो पैसेंजर बनना पड़ा था, एडल्ट के साथ बैठना पड़ा था। सो हम लोगों ने 3 स्लेडर बुक किया था, और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आप लोगों को, यहाँ आके हम लोगों का इतना बड़ा पोपट हुआ, मतलब है ना मैंने सोचा था कि यहाँ पे अंदर जब हम लोग स्लेडर पे जाएंगे ना तो फिर मैं अच्छे से आप लोगों को ना पूरा एकदम थ्रिलिंग व्यू दूंगी पूरा अच्छे से वीडियो बना के। बट क्या हो गया, जैसे ही हम लोग अंदर जाने लगे ना तो सिक्योरिटी वाला बोलने लगा कि अपना मोबाइल वगैरह सब जाओ और गाड़ी में रख के आओ, मोबाइल अंदर अलाउड ही नहीं था। तो ये तो मुझे पता था कि मोबाइल अलाउड नहीं है, बट है ना यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि आप जो है GoPro ले सकते हैं, तो हमने सोचा था कि यहाँ रेंटल GoPro मिलेगा तो हम लोग वो ले लेंगे। लेकिन ना यहाँ आने के बाद पता चला कि अभी उन लोग GoPro देना बंद किए हैं, और आपको अपने घर से जो है ना GoPro का इंतजाम करके आना था। मेरा तो ना आधा मूड ही ऑफ हो गया वहीं पे, और कुछ कर भी नहीं सकते थे, बस मैं हस्बैंड को देख रही थी और हस्बैंड मुझे देख रहे थे, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मोबाइल अंदर नहीं ले जाने का रीज़न ये था ना कि मतलब जैसे हम लोग एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो जैसे फ़्लाइट टेक ऑफ कर लेती है तो मोबाइल जो है उसको स्विच ऑफ कर देना होता है, क्योंकि इन लोगों का सिग्नल का इश्यू होता है, सिग्नल वीक हो जाता है। उसी तरह सेम ना ये स्लेडर में जो है वो सेंसर लगा है, जब एक स्लेडर दूसरे स्लेडर के नज़दीक पहुँच जाता है ना तो वो अपने आप ही ब्रेक मार देता है। तो अगर मोबाइल ऑन रहता है ना तो वीक सिग्नल मिलेगा स्लेडर में, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे। और वैसे भी UAE जो है ना वो बहुत ही मतलब सिक्योरिटी के मामले में ना, सेफ्टी के मामले में बहुत ही अच्छा है, नंबर 1 पे है। सो बस अब जो है कुछ नहीं हो सकता। यहीं से आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना इतना डेंजरस था कि मतलब जो है ना मैं आपको बता नहीं सकती, ये तो आपको दिखने में कुछ लग ही नहीं रहा है, इतना ऐसा लग रहा है हल्के हल्के ऊपर जा रहा है, बट अंदर जाके ना इतनी डेंजरस कर्व्स थी कि क्या बताऊँ। और स्पीड जो है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, और टोटल है ना सिर्फ 8 मिनट्स की राइड है, बट है बहुत ही डेंजरस। आई विश कि मैं आप लोगों को दिखा देती, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना आप लोगों के लिए GoPro का इंतज़ाम करके रखूँगी, और फिर जो है मैं पूरा अच्छे से अंदर का भी ना थ्रिलिंग व्यू दिखाऊँगी। मैं ना बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ राइड्स में, मुझे बहुत मज़ा आती है चिल्लाने में, मतलब मारे डर के नहीं, मारे खुशी के, मतलब बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे ऐसा लगता है राइड्स पर जब तक चिल्लाओ नहीं मज़ा ही नहीं आएगी। सो मैं तो बहुत चिल्लाती हूँ, फलक जो है ना वो अपना कान बंद करके बैठी रहती है। और यहाँ देखिए बच्चे लोगों को ना हम लोगों ने 2 बार भेज दिया था, क्योंकि एक बार जो है ना उन लोगों का दिल ही नहीं भरा, तो हम लोगों ने उन लोगों को 2 बार भेज दिया था, सारे बच्चे वापस से जाके आए हैं। बहुत मज़ा आई थी, बहुत ही मज़ा आई थी। जैस लेडर से लगा हुआ है ना वहीं सामने ही बिल्कुल एक और अट्रैक्शन है, और बहुत ही फेमस है, अगर मतलब टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना तो यहाँ ज़रूर आते हैं, और वो है ये ज़िप लाइन। और ये कोई मामूली ज़िप लाइन नहीं है, ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ज़िप लाइन है, जैस फ्लाइट के नाम से जो है ये जानी जाती है। और अगर आप थ्रिल सीकर है ना, अगर आपको इस टाइप की एक्टिविटीज़ पसंद है ना स्पोर्ट्स की, तो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। 120 से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये चलती है, और जो इसकी लेंथ है ना वो 280 किलोमीटर्स है, इतनी लंबी है ये। मैंने फुल जूम करके जो है वो वीडियो बनाई थी, पता नहीं आप लोगों को जो है अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे था, तो जितना जूम होता था मेरे मोबाइल में ना मैंने फुल जूम कर लिया था। आप देख रहे हैं ऊपर जो है ना एकदम लंबा वाला है, और नीचे ना थोड़ा छोटे डिस्टेंस वाला भी है, जिनका जो है कम दिल गुर्दा कलेजा है ना उन लोगों के लिए छोटा वाला जिप लाइन है, और जिन लोगों का बहुत बड़ा दिल गुर्दा कलेजा है ना तो वो ऊपर वाले से जा सकते हैं बहुत लंबे वाले। और आप व्यू देख रहे हैं, माइंड ब्लोइंग, मतलब जितना खतरनाक उतना ही खूबसूरत। और मौसम भी ना खूब ज़बरदस्त साथ दे रहा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं, बहुत मज़ा आया। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, और ना आगे जो है वहाँ माउंटेन ही माउंटेन तो है, तो बच्चों को ना माउंटेन पे चढ़ने का बड़ा ही शौक़ है, एडवेंचर करने का। सो ऊपर उन लोग गए थे माउंटेन क्लाइंबिंग करने, और मैं जो है ना वो मैं तो नीचे ही खड़ी थी। वही होता है ना कि मतलब जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ना तो हस्बैंड और बच्चे सब इन्जॉय करते हैं, और मैं इसी चक्कर में जो है वो फंसी रहती हूँ कि मैं कहाँ से अच्छे अच्छे वीडियो की ना क्लिप्स आप लोगों के लिए जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ, शूट कर लूँ।
हम लोग का जो फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत बहुत बड़ा है, तो हम लोग जब भी कहीं घूमने जाते हैं ना तो साथ में ही जाते हैं एक बड़े से ग्रुप में। और आज हम लोग इसलिए अकेले आए ना क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल है ना वो हमारा पहले यहाँ आ चुका था और हम लोग बिजी थे, हम लोग नहीं आ पाए थे, तो बच्चे पीछे पड़े थे कब से जाने के लिए जैसलेडर, इसलिए हम लोग आज अकेले ही आ गए। दुबई में ना इसी तरह होता है, किसी का भी ना छुट्टियों में जो है वो घर में पैर टिकता ही नहीं है, कुछ न कुछ बारबेक्यू नहीं तो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, हम सब पका के घर से एकदम लेके जाते हैं। ज़्यादा किनारे मत जाना। देखो उधर नहीं जाओ फलक। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी जो है डैम है, और यहाँ पे ना वादी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब पहले ना हम लोग खूब वादी में भी जाते थे पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन अब है ना सबके बच्चे बड़े हो गए हैं और पढ़ना लिखना इतना ज़्यादा टाइट स्केड्यूल हो गया है सबका कि मतलब अब निकलना जो है ना जल्दी पॉसिबल होता नहीं है, बहुत ही मुहूर्त निकालना पड़ता है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और छोटा सा व्लॉग था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। If you enjoy watching my videos, give this video a big thumbs up and don't forget to press the bell icon and do subscribe to my channel which is Hum Do Hamari Char. See you in next vlog with new content. Till then, take care. Bye bye. Assalamu alaikum.